हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वापस एक ई स्पोर्ट्स कंटेंट के ऊपर। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम इलीट के बारे में। टीम इलीट किस तरीके से लैंड करती है, कहाँ लैंड करती है, किस तरीके से रोटेशन लेती है एंड किस तरीके से ईजिली किल्स निकालती है। एंड यार मतलब पॉइंट्स टेबल पे टीम इलीट अलग रहती है और बाकी सारे टीम्स अलग रहती है फ्री फायर में। तो अभी तक की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इंडिया रीजन में, यानी टीम इलीट, उन्हीं के लैंडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना UID जरूर से डाल देना। किसी भी एक प्लेयर को मैं 1 करोड़ डायमंड उसके ID में डाल दूंगा। कुछ भी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टीम इलीट के प्लेयर्स के नाम, तो टीम इलीट को लीड करते हैं TE जॉन्टी, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी आप सभी जानते होंगे जॉन्टी गेमिंग से। एंड टीम इलीट के अगर स्नाइपर का बात करें तो टीम इलीट के स्नाइपर है TE पहाड़ी, जो कि एक बहुत अच्छे स्नाइपर है। टीम इलीट के रशर का काम करते हैं TE किलर और TE आइकॉनिक। एंड अगर बात करें आइकॉनिक के बारे में तो यार आइकॉनिक एक टीम के ऑलराउंडर का काम करते हैं, वो एक अच्छे स्नाइपर भी है एंड वो TE जॉन्टी के एब्सेंस में टीम को लीड भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टीम इलीट परगेटरी मैप में कहाँ उतरती है। तो अगर हम लोग बात करें टीम इलीट की लैंडिंग के बारे में, तो टीम इलीट उतरना पसंद करती है स्किलॉच पे। अब यार देखो, स्किलॉच पे इसलिए उतरती है क्योंकि स्किलॉच को उतरने के 2 सबसे मेन रीज़न है। वो है ये है कि स्किलॉच पे अगर आप उतर रहे हो तो आपको एक अच्छा लूट मिल जाता है एंड कभी कभी उधर ब्लू जोन भी रहता है। एंड जो दूसरा रीज़न है कि उधर से आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे अपना ध्यान रखना पड़ता है कि यार फोर्स से बंदे आ सकते हैं, बाकी फील्ड से बहुत दूर जाता है तो फील्ड से कोई भी टीम नहीं आती है स्किल लॉज पे एंड सेम मोथ हाउस से भी बंदे नहीं आते हैं। तो गाइस, ये तो था रीज़न कि क्यों टीम इलीट हमारा स्किल लॉज पे उतरती है, क्योंकि उन्हें उधर अच्छा लूट भी मिल जाता है, कभी कभी तो यार ब्लू जोन भी आ जाता है और उधर बंदे अगर आते भी हैं तो उनका अर्ली फाइट होगा, बाकी वो तो अलग सीन है। बट ऐसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक जगह ध्यान देना पड़ता है जो कि है हमारा फोर्ज। तो यार इधर देखो, इधर अब टीम इलीट लूट करेगी क्योंकि उनके पास ब्लू जोन है, तो वो आराम से इधर लूट करेगी क्योंकि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो वो आगे जाके कोई भी फाइट ईजिली निकाल सकते हैं। तो यार अब देखते हैं टीम इलीट करती क्या। 5 मिनट पार हो चुका है एंड ऑलमोस्ट गेम का अब आधा मिनट पार हो गया है एंड 9 मिनट के बाद इधर हमें देखने को मिलता है कि AS गेमिंग की टीम और जो हमारी देवलोम की टीम है उनका फाइट होता है। एंड इधर होता ये है कि देवलोम की टीम ने इजीली यहाँ पर AS गेमिंग की टीम को वाइप आउट कर दिया और सामने से आ रही थी एक यानी टीम इलीट। अब इधर टीम इलीट को पता चल गया था कि इधर जस्ट फाइट हुआ है तो वो चल गए थर्ड पार्टी करने के लिए एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा से तरीके से थर्ड पार्टी किया। पहाड़ी ने पहला नॉक निकल के पहले ही उन्हें ख़त्म कर दिया। अब हमारे बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर और इधर एक और प्लेयर को नॉक किया गया पहाड़ी के द्वारा और आइकॉनिक अब फ्लैंक करके गए एंड उन्होंने एक और बंदा को नॉक कर दिया। अब 3 बंदे नॉक हो चुके हैं एंड एक जो बंदा है वो था हमारे पेड़ के पीछे। अब इधर 1v4 सिचुएशन हो गया है बट टीम को फिर भी साथ में ही रश करना क्योंकि वो 1v1 सिचुएशन में क्रिएट ना हो जाए। एंड वही इधर हुआ, पहाड़ी चल गए थे अकेले रश करने के चक्कर में, वो इधर नॉक हो गए। अब इधर 1v1 सिचुएशन क्रिएट हो गया तो हो सकता था कि आप मार दो या फिर टीम आपको मार दे, कुछ भी हो सकता है। तो 1v1 सिचुएशन में आपको कभी भी क्रिएट नहीं करना है, अगर आप भले ही एक बंदा बचा है बट आपको साथ में रश करना है एंड साथ में जाके उसे फिनिश करना है। इधर अच्छा बैकअप के कारण पहाड़ी बच गए और इधर टीम इलीट ने वाइप आउट कर दिया हमारी देवलोम की टीम को। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से टीम इलीट के सारे मेंबर्स अपना रोल कितना अच्छा तरीका से करते हैं, चाहे वो आइकॉनिक हो चाहे वो पहाड़ी, स्नाइपिंग कितना अच्छा करते हैं, रशर के टाइम पे हमारे जो किलर हैं और आइकॉनिक है वो कितना अच्छा रश करते हैं, जॉन्डी भाई कितना अच्छा से लीड करते हैं, उन्हें पता रहता है कि कब क्या डिसीजन लेना है। तो यही चीज़ टीम में जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन अगर आपका अच्छा रहेगा, फायर पावर अच्छा रहेगा तो आप कोई भी टीम को इजीली वाइप आउट कर सकते हैं। टीम इलीट लूट करने के बाद ऐसे ही मतलब मूविंग कर ही रहे थे कि उनका एक और फाइट हुआ टोटल गेमिंग के साथ एंड जैसे ही इधर पता चल गया कि 2 प्लेयर डेंजर जोन से नॉक हो चुके हैं हमारे टोटल गेमिंग के, टीम इलीट के प्लेयर्स ने रश करना स्टार्ट कर दिया और बाला को इधर टोटली से फिनिश कर दिया एंड इस तरीके से टीम टोटल गेमिंग भी फिनिश ऑफ हो गई एंड टीम इलीट के किल्स हो चुके थे 6 एंड अभी टीम इलीट का बस मेन मोटिव था किसी तरीके से आगे जाना एंड जोन मूविंग करना। जैसे ही वो जोन मूविंग कर ही रहे थे कि उनका एक और फाइट हुआ टीम एल्केमिस्ट के साथ एंड टीम एल्केमिस्ट के एक प्लेयर को नॉक कर दिया एंड दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया पहाड़ी ने। अब टीम इलीट के पहाड़ी डाउन है बट इधर पहाड़ी को इजिली रिवाइव मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें टीम इलीट के आइकॉनिक के बारे में तो यार आइकॉनिक टीम इलीट के एक
परफेक्ट ऑलराउंडर का रूप करते हैं। मतलब वो एक अच्छे IGL भी हैं, वो एक अच्छे स्नाइपर भी हैं, वो एक अच्छे रशर भी हैं। एंड अगर हम लोग बात करें उनका जो ग्रेनेड रहता है, उनका जो M79 रहता है वो परफेक्ट रहता है। एंड वो बीस्ट एंड पेट यूज़ करते हैं तो उन्हें और भी इससे हेल्प मिलता है। जैसे ही इधर पहाड़ी रिवाइव हो गया, इधर पहाड़ी ने वापस से अपना इन स्कोप ट्रिक यूज़ किया एंड प्लेयर्स को डैमेज दिया। एंड जैसे ही डैमेज दिया, हमारे जो जॉन्टी भाई और किलर हैं उन्होंने रश करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इधर जॉन्टी भाई को डाउन कर दिया गया है, तो इधर जो टीम इलिट की फाइट हुई थी एल्केमिस्ट के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से रही है। टीम एल्केमिस्ट के एक प्लेयर ने इधर जॉन्टी भाई को फिनिश कर दिया गया था और आइकॉनिक को बहुत कम हेल्थ में रख दिया गया था। जैसे ही किलर को पता चला कि एक प्लेयर टेंट के पीछे नॉक है, वो रश करने चले गए, बट ये स्टेप उनका गलत हुआ एंड वो नॉक हो गए। जैसे ही इधर एक हैंड कैनन आया, हैंड कैनन पहाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया एंड उधर एल्केमिस्ट की टीम को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। अब इधर क्या है कि टीम इलीट जोन पे नहीं है एंड उन्हें जाना है जोन में। तो अब होगा ये कि टीम इलीट के पहाड़ी जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करेंगे एंड वो अपने प्लेयर को सपोर्ट करेंगे एंड बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो जोन जाएंगे। जैसे ही आपने इधर देखा, जैसे ही पहाड़ी को इधर हील करके वापस से अपना 100-200 है पूरा किया, बाकी जो प्लेयर्स हैं यानी किलर और आइकॉनिक वो जाएंगे अब जोन में एंड इधर जो पहाड़ी हैं वो सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि आइकॉनिक ने रोटेशन लेना स्टार्ट कर दिया गया एंड आइकॉनिक कब रोटेशन करके जाएंगे, आइकॉनिक के हाथ में है M79 एंड M79 से वो एक एक्सप्लोसिव रशर का काम करेंगे एंड उन्होंने इधर इजिली एक प्लेयर को डैमेज किया एंड इधर फिनिश ऑफ भी वो करेंगे। अब जैसे ही एक प्लेयर डाउन हो गया है तो किलर भी आ गए हैं एंड इधर किलर भी तैयार हो गए हैं रश करने के लिए एंड किलर ने इधर M1887 से एक प्लेयर को नॉक किया और सामने से आइकॉनिक ने लॉन्चर फेंक के पूरे टीम को फिनिश ऑफ कर दिया। अब इधर टीम इलीट के पास जोन भी था और उनके पास एक हाइट एडवांटेज भी था, जो नीचे की टीम थी उन्हें अब ऊपर आना था क्योंकि वो जोन में नहीं थे। तो अब इधर होगा ये कि एक प्लेयर सामने से आया घूम के एंड उन्होंने इधर आइकॉनिक और किलर दोनों को ही नॉक कर दिया। अब इधर क्रिएट हो जाता है 1v2 सिचुएशन, बट जैसे कि आप जानते ही हो हमारे पहाड़ी जी का स्नाइपर कभी भी मिस होता ही नहीं है। तो पहाड़ी ने इधर एक प्लेयर को नॉक कर दिया, अब सामने वाले टीम के दो प्लेयर नॉक है एंड इधर क्रिएट हो गया है 1v1 सिचुएशन एंड क्योंकि पहाड़ी के पास हाइट भी है तो वो हाइट का बहुत अच्छे तरीके से यूज भी करेंगे। जैसे ही पहाड़ी नीचे आए तो पहाड़ी को इधर मिल गया हमारा M79 एंड M79 का कितना अच्छा से तरीका से यूज किया इधर पहाड़ी ने। जैसा कि आपने देखा कि पहाड़ी ने इधर डैमेज दिया एक प्लेयर को, अब क्योंकि नीचे वाले प्लेयर को ऊपर आना है, पहाड़ी के हाथ में है हमारा वुकोंग एबिलिटी, बस उन्होंने M82B का यूज़ किया एंड उन्होंने इजीली यहाँ पर लास्ट प्लेयर को भी फिनिश ऑफ कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से टीम इलीट ने अपना फायर पावर को यूज़ किया एंड ये मैच को भूया भी किया विथ बहुत अच्छे किल्स। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से टीम इलीट का, अगर आपको बाकी सारे टीम का भी स्ट्रेटेजी जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी का ला के दे दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एंड यार प्लीज़ लाइक करके जाना।